चले क्या? नहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। कौन है? टाइम हो गया है आपका। बचाओ बचा लो, खुद फिर आके मुझे लेने। बचाओ। डॉक्टर साहब माँ को क्या हो गया? हम क्या करें डॉक्टर साहब? चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। बचा लो मुझे डॉक्टर साहब, खुद फिर आके मुझे लेने। शांत हो जाइए माता जी। माता जी आपको कुछ नहीं होगा, हम सब है ना। तुम समझ नहीं रहे हो बात को बेटा, हुक्का में भी ले जा सकता है। बचाओ। अब मुझे ये बताइए वो दिखता कैसा है? हुक्का काले रंग का है, वो बहुत लंबा है। जब वो मुझसे बात करता है मेरा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। बचाओ। माता जी मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ, इससे आपको नींद आएगी और आप सो जाएंगी, और ये बाकी सारी दवाइयों का पर्चा। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब इनको क्या हुआ है? घबराने की बात नहीं है, इस उम्र में ये सब कुछ होता रहता है। मैंने दवाई दी, अगर फायदा ना हो तो साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। अरे सुनो, मैं माँ जी की दवाई लेके आता हूँ। ठीक है। सो गई मम्मी। दादी क्या पागल हो गई है? किसने कहा तुझसे? सोनू बोल रहा था। सोनू चलो तुम अपने घर जाओ और तू जाकर खेल अपना। अरे दूध रखा था मैंने तो गैस पे। अब कल तो तू स्कूल नहीं आएगी ना। क्यों क्यों नहीं आऊंगी मैं? अब तेरी दादी मरने जो वाली है। ऐसा भी होता है? हाँ, और तुझे नहीं पता? अब तेरी दादी सो जाएगी फिर उठेगी थोड़ी ना। अच्छा। हाँ तुझे पता है मेरी दादी भी ऐसी मरी थी। अच्छा ठीक है, तू जा बाय। मैं भी जा रहा हूँ। भैया भैया। हाँ आपने सुना सोनू ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा सोनू ने? सोनू कह रहा था कि अब हमारी दादी सो जाएंगी तो सोती रहेंगी, फिर नहीं उठेंगी वो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम भी तो रात को सोते हैं पर सुबह उठ भी तो जाते हैं। तू जा अपना अंदर जाके खेल। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, सोए और उठे ना। अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता है। कौन हो तुम? कौन बोल रहे हैं? मैं वही हूँ जो तुम्हारी दादी को डराता है। तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम मेरे को भी डराना चाहते हो? अच्छा तो तू डर से भी नहीं डरेगा? नहीं डरूंगा तुमसे, जाओ यहाँ से। वो सही कह रही थी, अब तेरी दादी कभी सोकर नहीं उठेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। देख जाकर अपनी दादी को। दादी दादी बचाओ, हुब्बेर आ गया। शुभम हुब्बेर आ गया मुझे लेने। क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? एक तुम इतनी मुश्किल से दवाई खाकर सोई थी, ऊपर से तू और आ गया परेशान करने। जाकर अपनी पढ़ाई कर। हुब्बेर आ गया, हुब्बेर आ गया मुझे लेने। अब सो जाइए। हुब्बेर आ गया। क्यों भैया मजा आया? मम्मी देखो भैया फिर से परेशान कर रहे हैं। अब क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? समझ नहीं आता तुम दोनों को, मैंने बोला था ना पढ़ाई कर अपनी, और तू चल। चार बज गए, इस लड़की ने अभी तक खाना नहीं खाया। क्या हुआ? तुम झूठ कह रहे थे, मेरी दादी को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा उनको। ठीक है मत मान, आगे तुझे पता चल ही जाएगा। कुछ नहीं होगा, तुम से डरा रहे हो। देख तो जाकर अपनी दादी को। तुम झूठ कह रहे हो दादी। दादी दादी बचाओ, हुब्बेर आ गया। शुभम हुब्बेर आ गया। ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए क्या? बिल्कुल पता नहीं इसे क्या हो गया, पहले भी परेशान कर रहा था ये। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें दिखाई नहीं देता घर में वैसे भी परेशानी चल रही है? बेटा तुम बड़े हो गए, छोटे नहीं रहे हो, कुछ समझो। जाओ पढ़ो अपना। ये लो दवाइयाँ। कितने की आई दवाइयाँ? 2000 रुपए की आई है। 2000 रुपए की? हाँ और सिर्फ 5 दिन की है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ये सब कैसे करूंगा? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी भी डिमांडें बढ़ती जा रही हैं, और फिर हमें भी तो अपना फ्यूचर देखना है। तुम्हारी तो माजी है, अगर इलाज नहीं कराएंगे तो लोग क्या कहेंगे? तुम तो हमेशा लोगों की सोचना।
और तुम हमेशा फ्यूचर की सोचना, आज और उसकी मत सोचो। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, चाय हो तो पिला दो। आओ बस, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तुम्हारी वजह से मुझे दो बार डांट पड़ी है। ठीक है, मत मान, आगे देख ही लेना। कुछ नहीं होगा दादी को, जाओ यहाँ से। मुझे माननी पड़ेगी। नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। मुझे माननी पड़ेगी। नहीं सुनूंगा। देख जाकर अपनी दादी को। दादी, 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 दादी। खर्चा हो गया है। वो तो हो नहीं था, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी घर में। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाले समय में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अगर खर्चा नहीं करते तो लोग क्या कहते? लोग लोग लोग, तुम्हें पता नहीं हमेशा लोगों को क्यों पड़ी रहती है? फ्यूचर में क्या लोग हमें खाने खिलाएंगे आगे? मैं ये नहीं कह रहा, पर मानता है ना? अब तुम इधर क्यों आए हो? अभी तो सिर्फ मैं तेरी दादी को ही लेकर गया हूँ, अभी तो बहुत लोग बाकी हैं, जैसे ये प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी तेरी बहन। नहीं ले जाओ, कैसे नहीं ले जाओ। मम्मी देखो भैया मुझे फिर से परेशान कर रही है। अब क्यों परेशान कर रहे हो उसे? मम्मी तुझे समझ नहीं आती क्या? अजय सुनते हो, क्या हुआ? कुछ किया आपने इसका? दिन पे दिन हालत बिगड़ती जा रही है इसकी। अभी तो डॉक्टर को दिखाया था इसे। डॉक्टर को दिखाने से कुछ फायदा हुआ? अब कुछ फायदा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? वैसे भी तुम लोगों के बारे में सोचता रहता हूं पूरे दिन, और तुम लोगों से तो दिमाग खराब हो चुका है मेरा। चल, बहन को तो छोड़ देता हूं, माँ कैसी रहेगी? नहीं, नहीं। जाओ क्या माँ को? नहीं, ले जाओ। मम्मी, मम्मी, पागल हो गया तू? अगर मुझे लग जाती तो? मम्मी वो आपके पीछे था। कौन था? वो आपके पास आ रहा था। कौन आ रहा था? ले जाता वो आपको, ले जाता। कौन ले जाता? वो आपके पास आ रहा था, वही जो दादी को ले गया। कौन दादी को ले गया? आपको भी ले जाएगा। अजी सुनते हो, अब क्या हुआ? दो मिनट इस घर में चैन से नहीं बैठने दोगी तुम? पता नहीं तुम्हारा बेटा किसी बहकी बहकी बातें कर रहे, बोल रहे जो दादी को ले गया था वो उसे दिख रहे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी को ले गया था? हाँ। शुभम, क्या बात है शुभम, क्या कह रहे हो? बाबा, शुभम, बाबा, 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 शुभम, क्या कर रहे हो ये तुम? बाबा वो उधर ही था। तुम्हारा बिल्कुल खराब हो गया क्या? वो उधर ही था। कौन इधर था? इधर कोई नहीं है। तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो तुम। अरे सुनो, इसके लिए पानी लेके आना। ले जाता वो। कौन ले जाता? वो ले जाता। मुझे बताओ क्या बात है? वो मेरी दादी को ले गया। कौन था? दादी को कोई नहीं ले गया बेटा, आपको भी ले जाएगा। ये लो पानी, पानी पियो। अरे ओ शर्मा जी। कौन है भाई? भाई साहब मैं पांडे। अरे पांडे जी आप आइए, यूं अचानक कैसे आना हुआ? जी आप कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे थे। अरे हाँ, आइए आइए बैठिए। और सब बढ़िया पांडे जी? जी बढ़िया। आपकी तबीयत कैसी है? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई जी। सुनो, पांडे जी के लिए चाय बना लो। मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन 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 क्या शर्मा जी? अब आपसे क्या छुपाना पांडे जी, आपको तो पता ही है अभी अभी मेरी मम्मी जी गुजर गई है। जी मम्मी जी के गुजरने के बाद मेरे बेटे को डर बैठ गया है। पता नहीं अजीब अजीब हरकतें करता है, कहता है कि जो दादी को ले गया था वो हम सबको ले जाएगा। तो आपने किसी को दिखाया नहीं? दिखाया पर कुछ आराम नहीं मिला। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो तो बताओ। हाँ मेरे एक रिश्तेदार है जो साइकेट्रिस्ट है, तो मिलवा दीजिए उनसे।
चलो अभी अभी। हाँ, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी? अरे रिश्तेदार है, इतना तो कर ही सकती है। अच्छा हाँ, अरे सुनती हो भाई साहब, चाय? भाभी जी बाद में पियेंगे, हम लोग अभी आते हैं। देख, तेरा बाप अब घर से बाहर गया है, उसे एक बड़ी सी गाड़ी उड़ा देगी। नहीं। और फिर वो नहीं मर जाएगा। कुछ नहीं होगा। तेरा क्या होगा बेटा? पापा को कुछ नहीं होगा। पापा अरे अरे सुभा, पापा को रोक लो। क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये क्या बोल रहे तू? और आप किचन में मत जाना, आग लग जाएगी वहाँ पे, आप जल जाओगे। और गुड़िया को वो छत से नीचे गिरा देगा, वो भी मर जाएगी। शांत हो जा शुभम, शांत हो जा। हम सब मर जाएंगे। शांत हो जा। सब मर जाएंगे। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बेटे को? मुझे तो लगता है किसी की नजर लग गई है इसे। ओ सोनू, ये देखो यहाँ छुपा बैठा है, और मैं इसे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। भाभी जी इसे घर भेज दिया कीजिए, भूल जाता है ये। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? तुम्हें तो पता ही है, क्या बताऊँ मैं, शुभम की टेंशन चल रही है। वो धागा नहीं बांधा जो मैंने आपको दिया था, वो तो मैंने बांधा था। और वो नारियल भी मैं पेड़ के नीचे तिलक लगा के रख कर आई थी, पर कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा, मल्होत्रा जी के घर झाड़ू वाले बाबा आए हैं, वो तो बुला कर लाऊ? हाँ ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ। आपको पता है मम्मी ने वो पागल बना दिया। मम्मी तो मुझे रोज झाड़ू मारती है, लेकिन मैं अभी तक मम्मी की बात नहीं मानता। झाड़ू मारती है? हाँ, आज तो मम्मी ने कमाल ही कर दिया। आज मम्मी ने सोचा मुझे ठीक कर ही रहूंगी, आज मम्मी ने कुर्सी फेंक के मारी और मैं यहाँ भाग के आ गया। मम्मी के बारे में ऐसे नहीं बोलते, जाओ जाके खेलो। मम्मी छत पे खेले। नहीं नहीं, छत पे नहीं जाना, वो नीचे गिरा देगा। नहीं तुम मर जाओगी। नहीं नहीं, नहीं जाना छत पे, नहीं खेलो जाके। नहीं जाना, नहीं जाना, शाम को खेलेंगे ठीक है। नहीं जाना छत पे। आइए बाबा आइए। कितना खर्चा आएगा? 500 रुपए, 5000 रुपए, 600 रुपए। अरे तू टेंशन मत ले बेटी, पैसे की मोह में मत रह, बेटा खो देगी अपना। आइए बाबा शुरू कीजिए। शुरू करो शुरू करो। आदमी आता है, वो कहता है वो मम्मी को ले जाएगा, पापा को भी ले जाएगा, हम सबको ले जाएगा। वो मेरी दादी को भी ले गया, अब हमें भी ले जाएगा वो। अच्छा ये बताओ वो दिखता कैसा है? वो बहुत बड़ा है, उसके हाथ बहुत लंबे हैं, वो मार देगा सबको। अच्छा अच्छा मैं समझ गई, शुभम घबराने वाली कोई बात नहीं है। शर्मा जी जरा साइड में आइए। डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, घर में अभी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो बच्चे का मन कमजोर है, डर सा बैठ गया है उसके दिल में।
बस ऐसा आपको करना होगा कि आपको इसकी बातों पे बिल्कुल भी नहीं हंसना, ठीक है? ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। आप इसे क्लिनिक लाइए, हम वहाँ ट्रीटमेंट और काउंसलिंग दोनों कर लेंगे। पर बेस्ट बात तो ये होगी कि आप सब लोग एक लंबी छुट्टी पे चले जाए, वहाँ पे बच्चे का मन भी बहल जाएगा और माहौल भी चेंज हो जाएगा। जी अच्छा, मैं जी अच्छा। क्या कह रही थी डॉक्टर साहब? कुछ नहीं कह रही थी, ठीक हो जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है, हमें उसे घर से दूर रखना होगा। घर से दूर रखना होगा? उसका माहौल बदलना पड़ेगा। पर कैसे? आपका ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है, पढ़ाई है। मेरी बात मानो, इसे हॉस्टल में डाल दो। हॉस्टल में? हाँ, पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी और माहौल भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये सब? मेरा एक दोस्त है जिसका शिमला में बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल है। शिमला? इतनी दूर? और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे दोस्त है, जितना हो सके वो करेगा। ठीक है तो अच्छा, आप लोग सोच लीजिए। हाँ अच्छा, चलता हूँ मैं फिर। अच्छा भाई साहब, चाय? भाभी जी बाद में पियेंगे। मम्मी भैया हॉस्टल जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। अब भैया का लैपटॉप मेरा, भैया का फोन मेरा, और मैं बस पूरा दिन गेम्स खेलती रहूंगी, और मुझे कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा, है ना मम्मी? अच्छा, और तुझे होमवर्क कौन कराएगा? और जो अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा बचा के तेली चॉकलेट लाता था, वो अब कौन लाएगा? और फिर तेरे साथ लड़ाई कौन करेगा?